हेलो गाइस, आज मैं कैंडलस्टिक चार्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। कई ऐसे नए ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के दौरान कैंडलस्टिक चार्टिंग को देखकर नर्वस हो जाते हैं, उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए हमें एडवांस चार्ट्स को स्टडी करना होता है, जो कि कैंडलस्टिक चार्टिंग पर बेस्ड होते हैं। गाइस, आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, व्हाई कैंडलस्टिक चार्टिंग? तो इसका जवाब है गाइस, कैंडलस्टिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। कैंडलस्टिक चार्ट्स प्रोवाइड अर्लियर इंडिकेशन ऑफ मार्केट टर्न्स। तीसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट फर्निश यूनिक मार्केट इंसाइट्स, आर इंजॉयबल टू लर्न, इन्हेंस वेस्टर्न चार्टिंग एनालिसिस, विल इंक्रीज efficiency of your analysis. That's why candlestick charting are important to learn all of us. आज के इस वीडियो में हम लोग गाइज कैंडलस्टिक चार्टिंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कैंडलस्टिक चार्टिंग होता क्या है और कैंडल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो ये सब हैमर, हैंगिंग मैन, द इनगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, द मॉर्निंग स्टार, द इवनिंग स्टार, द मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजेज, ये सभी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बेसिक्स को जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैंडल्स की ओर। तो आप यहाँ पर दो कैंडल्स देख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का कैंडल है और एक रेड कलर का कैंडल है। ये दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, बट इसके कलर अलग अलग हैं। जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक होता है, और जो रेड कलर का कैंडल होता है वो बेयरिश कैंडलस्टिक होते हैं। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि बुलिश कैंडल्स में मीन्स ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं मीन्स बुलिश कैंडलस्टिक होते हैं, उसका ओपन लो के पास होता है और क्लोज हाई के पास होता है। बट बेयरिश कैंडलस्टिक में बुलिश कैंडलस्टिक का अपोजिट होता है, ओपन हाई के पास होता है और क्लोज लो के पास होते हैं। बस ये अंतर होते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं आगे की स्लाइड में। सपोज गाइस, कोई स्टॉक का प्राइस बुलिश है, बुलिश है इसका मतलब कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका कैंडल हमेशा ग्रीन होगा क्योंकि यह स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम पे बुलिश है। बुलिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग बेयरिश कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है और वह बस सुबह 9:30 बजे जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब उसका प्राइस 100 था, और स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद मीन्स 3:30 बजे से पहले उसका प्राइस 110 हो गया। इस बीच में स्टॉक कुछ लो भी बनाया होगा और कुछ हाई भी बनाया होगा। तो मान लेता हूँ कि यह स्टॉक 90 का लो बनाया और 120 का हाई बनाया। तो इस बीच में जो कैंडल फॉर्म हुए उस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे, क्योंकि यह ओपन हुआ था 100 पे और क्लोज हुआ 110 पे, यानी कि प्राइस ऊपर गया, इसलिए यह कैंडल कौन सा हो गया, बुलिश कैंडल हो गया और इसका कलर होगा ग्रीन। इसी तरह हम लोग बेयरिश कैंडल की ओर जाएं तो बेयरिश कैंडल कैसे होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक का प्राइस है जो नीचे जा रहा है, मीन्स स्टॉक बेयरिश है, तो इस कंडीशन में फॉर्म होने वाले कैंडल्स होंगे वो रेड कलर के होंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो इसका फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि शेयर मार्केट ओपन होने के टाइम किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ था और क्लोज होते टाइम उस स्टॉक का प्राइस 90 हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम हो रहा है इसका मतलब कि वो कैंडल कैसा बनेगा, रेड बनेगा। तो 100 पे ओपन हुआ और 90 पे क्लोज हुआ, इस बीच में वो स्टॉक कुछ ना कुछ लो बनाया और कुछ ना कुछ हाई बनाया होगा। तो मान लेते हैं कि यह स्टॉक 80 का लो बनाता है उस दिन और 110 का हाई बनाता है, तो यह कैंडल कैसा बनेगा, यह कैंडल रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि यह 100 पर ओपन हुआ था और 90 पर क्लोज हुआ, यानी कि प्राइस गिर चुका है। तो ऐसा कैंडल होगा हमेशा रेड कलर का, और यह कैंडल क्या कहलाता है, बेयरिश कहलाता है। आई होप आप लोगों को बुलिश और बेयरिश कैंडल के बारे में क्लियर हो चुका होगा। आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में, इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में, डार्क क्लाउड कवर के बारे में, पियर्सिंग पैटर्न के बारे में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग इवनिंग डोजी स्टार्स के बारे में। ये सभी पैटर्न्स, हैमर से लेकर के पियर्सिंग पैटर्न, ये सभी रिवर्सल का भी शाइन देते हैं। तो ये सभी आपको जानने की अधिक आवश्यकता है ताकि आपके ट्रेडिंग में ग्रोथ हो सके।
चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।